नमस्कार, आइए इस वीडियो में संख्याओं के बारे में थोड़ा और जानें। संख्याओं को अंकों में लिखना, अंक लिखने की विधि, संख्याओं से संबंधित कुछ अलग विषय, संख्याओं के कुछ और विषय और तत्वों का अवलोकन करें। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित किए गए शिक्षण के विषयों में दी गई शिक्षा के बारे में हमें पता है। पहले बच्चे क्रमिक संख्याएं गिनना सीख चुके हैं। वे गायन विधि और टीएलएम का उपयोग करके गिनती सीख चुके हैं। अब उन्हें संख्याओं को लिखना सीखना है। पहली कक्षा में 9 तक, 1 से 9 तक उन्हें लिखना है। इसके अलावा दूसरी कक्षा में उन्हें दोहरे अंकों की संख्याओं का परिचय देना होगा और 99 तक लिखना होगा। इसके बाद एक और संकल्पना जो हमें उन्हें ठीक से पढ़ानी है, इसे हम मौखिक संख्यात्मक नाम संबंधन कहते हैं। जैसा हम जानते हैं, यानी संख्यात्मक नाम और संख्याओं के बीच के संबंधों के बारे में व्याख्या करना। यानी कि जब हम कोई संख्या मौखिक रूप से बताते हैं, मानिए 7, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? जिस संख्या को हमने सुना है 7 और जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कैसे लिखें? इस विधि को मौखिक संख्यात्मक संबंधन कहा जाता है, जैसा हमने देखा है। इसे आगे पढ़ाएंगे। अब संख्या 7 जब हम इसे कहते हैं और जब हम इसे लिखते हैं, ये बताना सार है। जब हम कहते हैं 7, हमारे मन में अंक 7 आता है, किंतु इस संख्या के पीछे मात्रा है। अगर मैं किसी को 5 चॉकलेट देती हूँ, आपके हाथ में कितनी चॉकलेट है, ऐसा अगर मैं पूछूं, तो बच्चा कहेगा 5। बच्चा 5 कहेगा। अब 5 संख्या यहाँ सार है, लेकिन हमारे मन में ही हम 5 चॉकलेट की कल्पना कर पाते हैं। यदि इस संख्या की छवि अच्छी तरह समझ में आए, तो बच्चे के लिए गणित सीखना बहुत ही सरल हो जाता है। इसीलिए इसे मात्रा संख्यात्मक संबंधन या संख्यात्मक मात्रा संबंधन कहते हैं, यानी संख्या और मात्रा के बीच रहने वाला संबंध और मात्रा के अनुसार संख्या का गणन। बच्चों को ये संकल्पना अच्छी तरह समझनी होगी। आइए देखें क्या विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। गिनती, मौखिक गिनती, जैसे 1, 2, 3 और आदि, इसे हम सीधी गिनती कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों को उल्टी गिनती भी आनी चाहिए। अगर हम 1 से 9 लेते हैं, 8, 7 और आदि, और आखिर में 0, ये समझाने में आसान हो जाता है। हम इसे आगे सीखेंगे। एक और उदाहरण। अब यहाँ कुछ किताबें हैं, मुझे 5वीं किताब दे। उस अलमारी से, वहाँ रखी अलमारी से, हम उन्हें 5वीं किताब लाने को कहेंगे, मतलब 5। 1, 2, 3, 4, 5वीं। इन्हें अंग्रेजी में ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। पहली कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे पहली, तीसरी, इन्हें हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। हमें उन्हें ये भी सिखाना होगा। अगर मैं 20वीं कहूँ, उन्हें मुझे 20वीं वस्तु देनी चाहिए, इसका भी अभ्यास जरूरी है।